अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अब इस वीडियो का आनन फनन बनाने का मकसद ये है कि शहर हैदराबाद के अंदर 10 जनवरी को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक एनसीआर और एनपीआर और सीसीए के खिलाफ में एक रैली निकालने का ऐलान किया है। मैं आप तमाम मेरे जितने व्यूअर्स हैं आप तमाम को मैं इस बात की इतला देना चाहता हूं कि इस रैली में शिरकत करें, क्योंकि एनपीआर और एनसीआर के खिलाफ लड़ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये हम हिंदुस्तानी मिलके ही लड़ सकते हैं। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि इस रैली में शिरकत करें, पुरअमन रैली बनाए उसको। और कुछ लोगों की अफवाहें, कुछ लोगों की बातें यहां तक पहुंच रही है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ये कंपटीशन कर रही है बिलियन मार्च के लिए, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये कंपटीशन मुकम्मल हो। जैसे कि मिलियन मार्च ने 10 लाख का मजमा हैदराबाद में जमा किया कि अल्लाह ये रैली भी जो मीरालम तालाब से निकलती है जो शास्त्रीपुरम तक जाएगी इसको भी कामयाब कर, ताकि हिंदुस्तान की जो फिरका परस्त हुकूमत है उस हुकूमत तक ये पैगाम जाए कि एनपीआर के खिलाफ में हर मुसलमान एक है, उसके लिए एहतजाज करते हैं। तो मैं उन लोगों को, जिन लोगों को गुस्सा है, मैं उन लोगों को ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि आप ये ना देखें कि कौन इस रैली की जो है दावत दे रहा है, कौन इस रैली को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि ये हम हिंदुस्तान की जमहूरियत बचाने के लिए है। अगर मेरा मानना यह है, मेरी अपनी जाती राय यह है कि अगर ये एनपीआर और एनसीआर और कैप के सीएए के खिलाफ सीसीए के खिलाफ में अगर भारतीय जनता पार्टी का हैदराबाद का गोशा महल का रुकन असेंबली भी अगर रैली निकालता होता तो शायद हम उसकी भी रैली में शिरकत करते। तो आप तमाम से अपील है कि आप तमाम लोग इसको पुरअमन एहतजाज बनाइए, एक पुरअमन रैली बनाइए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस रैली को कामयाब करें, पुरअमन और बिल्कुल बिना कोई वॉयलेंस के इस रैली को मुकम्मल करें। शुक्रिया।